गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर सिक्स द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था, है ना। और इसलिए आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर जो उसका एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, आप लोग उसको देख के अपने अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। जो बुक वर्क है उसको आप लोग बुक वर्क में ही करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बी है आपका टिक द करेक्ट आंसर। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात टू, ये आपका फर्स्ट है केरला, सेकंड है गोवा, थर्ड है कर्नाटका और फोर्थ है आपका महाराष्ट्र। तो आपका क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड है गिर नेशनल पार्क इज द होम टू द साइटिक लायन, 100 राइनो, कैमल, लीमर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एसाइटिक लायन। थर्ड है आपका रास गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, पुडुचेरी, केरला, उड़ीसा। तो आपका क्या होगा इसमें, गुजरात। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग, ये आपका है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू द फ्रॉम द करेक्ट वर्ड। ये जो कुछ वर्ड आपको दिया हुआ है ये आपका उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया है, जिसको कि आपको सीधा करके आपको लिखना है। फर्स्ट है देखेंगे लैंड विच मीट्स द सी, तो ये आपका दिया हुआ है टी ओ सी ए एस। इसमें से आपको इसको देख के सीधा करके आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखेंगे, सी, फिर लिखना है ओ, फिर है ए, फिर एस, नेक्स्ट है टी। तो ये आपको पूरा मिला के क्या हो जाएगा, कोस्ट, ओके। नेक्स्ट है टाउन नियर द सी, ये दे दिया गया है इसमें आर टी ओ पी, मैंने लिखा है देखिए इसका आंसर सही करके पी ओ आर टी, इसका हो जाएगा आंसर पोर्ट। थर्ड है आपका शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स, इसमें उल्टा करके दिया गया है ए जी एल एन ओ एस ओ। जब हम लोग इसको सीधा करेंगे तो बन जाएगा एल ए जी ओ ओ एन एस, लैंगून्स। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ गोवा, जे ए जे पी ए एन आई ए, इसको हम लोग सीधा करेंगे तो बन जाएगा पी ए एन ए जे आई, पांजी। फिफ्थ है लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, एल ए आई एस एन डी, इसको सीधा करिए तो बन जाएगा आई सी ई एल ए एन डी। फिफ्थ है आपका लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर काट के नीचे लिखा है, ओके। इसमें आप लोग देखेंगे उल्टा करके दिया हुआ है एल ए आई एस एन डी, ये है आप जब इसको सीधा करेंगे तो बनेगा आई एस एल ए एन डी, आईलैंड। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो मैंने इसको लिखा है थोड़ा सा आपको अगर समझ में नहीं आता, मैं जो बोल रही हूँ उसको देख के आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये एल है, एल के बाद ए है, और ये जो हम लोग लिखेंगे आप लोगों के पास सबके पास बुक है, आप लोगों को बुक वर्क बुक में ही करना है, ओके। तो इसको जब आप लोग लिखेंगे तो सब आप लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। देखिए मैंने पूरा कैपिटल लेटर में ही लिखा है ना, तो आप लोगों को स्मॉल लेटर में इसको नहीं लिखना है, इसको आप लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे,